अन्यकला में जानकारी के अभाव में नाम मात्र की भीड़ के साथ ही शांति समिति की बैठक पंचायत भवन में संपन्न हुई। हर बार की तरह इस बार भी बैठक की सूचना ग्राम के वरिष्ठ नागरिक व जनप्रतिनिधियों को नहीं दी गई है, जिस कारण से इस बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए रश्व अदायगी की बैठक हुई है। वहीं इस दौरान नायब तहसीलदार अजय अहिरवार व थाना प्रभारी के चौबे ने अयोध्या मामले को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की भ्रामक जानकारी नहीं पोस्ट करनी है, लोगों से इस बारे में अपील भी की गई है। वहीं भीम आर्मी के जिला संयोजक जितेंद्र मालवीय का मामला भी इस बैठक में उठा है। उन्होंने कहा है कि झूठे केस में फंसाने की धमकी की बात की गई थी। इस दौरान क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि और स्थानीय अधिकारी मौजूद रहे। आगामी दिनों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आने वाला है उसके तारतम्य में अपने नगर में, थाना क्षेत्र में, गांव में सभी जगह शांति व्यवस्था बनी रहे, उस सिलसिले में शांति समिति की शासकीय अधिकारी कर्मचारी की बिजली विभाग की नायब सभी उपस्थित थे। गांव के सरपंच और प्रतिष्ठित लोग सबसे मिलकर शांति समिति की मीटिंग ली गई और कानून व्यवस्था परस्पर बनी रहे, परस्पर सबका विश्वास बना रहे एक दूसरे के प्रति, उस सिलसिले में बातचीत चर्चा की। चोरी सर, क्या पुलिस पुलिस अपनी तैयारी में सभी जगह तैयारी चल रही है, वरिष्ठ स्तर पर भी इस बारे में मीटिंग रही है और जो जहाँ पर हैं उनकी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए सब सजग हैं, सतर्क हैं और सक्रिय भी हो गए हैं।